बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मुनफरिद सी होममेड पिज़्ज़ा सॉस एंड पास्ता सॉस। एक ही रेसिपी से ये बनती है। इसको आप एज पास्ता सॉस भी यूज़ कर सकते हैं और पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको चाहिए हाफ कप केचप, हाफ कप चाहिए टोमेटो पेस्ट, 4 टेबल स्पून चाहिए ऑयल, आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, 4 टेबल स्पून चाहिए विनीगर, सिरका और स्पाइसेस में आपको सिंपल इंग्रेडिएंट्स से हम इसको बनाएंगे, 1 टीस्पून नमक चाहिए, 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च चाहिए, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो चाहिए और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन चाहिए। इन सब अज्जा से हम बनाएंगे बहुत ही मुनफरिद और ज़बरदस्त मल्टीपर्पज़ 2-इन-1 पिज़्ज़ा सॉस एंड पास्ता सॉस। देखते हैं किस तरह से बनाते हैं इसको। सबसे पहले एक पैन में 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, इसको गरम करेंगे और इसके अंदर लहसुन को हम खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे खुशबू आने तक। लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया, अब हम इसके अंदर साथ ही हम बाकी के स्पाइसेस 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और ओरिगैनो भी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। आँच हमने ज़्यादा नहीं रखी, क्योंकि हमने भी रखी हुई है, तो मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं टमाटर को हमने अच्छी तरह से पका लिया है, ठीक है, ये पके लिए काफ़ी सारे इनके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब हम इसके अंदर हाफ कप केचप मिला देंगे। आप चाहे तो आप चिली गार्लिक सॉस भी मिला सकते हो। मिक्स करेंगे, फ्लेम हमने रखी हुई है, इसको मिक्स कर, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून विनीगर डाल देंगे, इसको प्रिजर्व करने के लिए डालेंगे, इससे ये ख़राब नहीं होता। एक बार से मिक्स कर लेंगे, कुछ हल्की रखी हुई है। ये आप देख सकते हैं सॉस हमारी रेडी है। अगर आपको क्रश गार्लिक का टेस्ट पसंद नहीं है, मतलब आप नहीं चाहते कि जैसे इसमें क्रश गार्लिक नज़र आ रहा है वो नज़र आए, तो आप इसको ठंडा करके ब्लेंड भी कर सकते हैं और इसके बाद इसको आप एयर टाइट जार में प्रिजर्व करें, उसको फ्रिज में रखें और जब आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। मज़े की पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही कम वक्त में बनती है और बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है। इसको आप एयर टाइट जार में प्रिजर्व करें और फ्रिज में रखें और उसको यूज़ करें। इसको आप पिज़्ज़ा सॉस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं, बर्गर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ऑसम इसका फ्लेवर आता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।